सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर सिटी, जो कि है द सिटी ऑफ लेक्स। तो पहले हम आए हैं, अभी जो ये प्लेस है ये है सिटी पैलेस। यहाँ एक्सप्लोर करके हम नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे। सो यहाँ इसकी एंट्री यहाँ से होती है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, और वहाँ से पीछे से हमने वहाँ से टिकट ली थी, जो कि 30 रुपीज़ की टिकट है। अगर 30 रुपीज़ की टिकट लेते हो आप, तो आपको सिर्फ आउटर ही एरिया घूमने को मिलेगा, और 300 की लेते हो तो अंदर तक का जो म्यूज़ियम वगैरह है वो सब भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस। तो दोस्तों वो है वहाँ पर, आप देख सकते हो जो है वो टिकट विंडो है, और वहाँ पर पार्किंग है, और इस तरह से यहाँ से एंट्री होती है सिटी पैलेस की। दोस्तों ये है इसकी एंट्री। तो दोस्तों अगर नीचे से आप जब ऊपर आते हो तो आपको कुछ 1 किलोमीटर जितना वॉक करके आना होगा। अगर आप वॉक करके आना ना चाहें तो इस तरह से जो गाड़ियां हैं उस पर आप 50 रुपीज़ पे करके ऊपर आराम से आ सकते हैं गाड़ी में बैठकर, जिससे आपको वॉक करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने टिकट लेके अंदर आ चुके हैं, और ये है कुछ एंटर अंदर का ये नज़ारा, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कुछ ये है सिटी पैलेस, और इसके आसपास का कुछ इस तरह से काफ़ी बेहतर व्यू है, काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों मैंने इसकी जो टिकट है वो कुछ 30 रुपीज़ की ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो टिकट है इस तरह की, कुछ ये टिकट आएगी आपकी 30 रुपीज़ की। ये जो आउटर ओनली आप बाहर ही घूम पाओगे, म्यूज़ियम वगैरह घूमना हो तो आपको 300 रुपीज़ की एक्स्ट्रा टिकट लेनी होगी। सो कुछ इस तरह से, अगर आप इस तरह की सिंपल टिकट लेते हो तो आप आउटर जो सिटी पैलेस का पूरा जो व्यू है वो आप अच्छे से घूम पाओगे। और बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, सो इट्स टू हॉट टू एक्सप्लोर। तो दोस्तों जो 30 रुपीज़ की टिकट लोगे, जो आप आउटर आपको जो घूमने को मिलेगा उसके अंदर ये सब इंक्लूड रहेगा, इस तरह से आप सिटी पैलेस जो अंदर का एरिया है वो इस तरह से आप पूरा घूम सकेंगे। और अगर आप 300 की जो एक्स्ट्रा टिकट लेते हैं उसमें म्यूज़ियम इंक्लूड रहेगा, आप अगर म्यूज़ियम घूमना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 300 की टिकट लेनी होगी, जो कि जिससे आप वहाँ पर से म्यूज़ियम जा सकते हैं। सर दोस्तों अभी जस्ट हम हैं लेक पिचोला के पास, जो कि सिटी पैलेस से जस्ट सट के ही है, जैसा कि वो देखा हमने सिटी पैलेस, और उसी से सटकर है लेक पिचोला, जो कि ये पूरा एक घाट है एक प्रकार का। यहाँ पे बोट राइडिंग भी होती है वहाँ आगे से, वहाँ पर वो जो उस तरह से विंडो दिख रहा है वहाँ से बोट राइडिंग के लिए आप टिकट ले सकते हो, और इस तरह से यहाँ पर पूरी एक राउंड कराया जाएगा, जो कि टिकट है 500 रुपीज़ और कुछ डिफरेंस है, तो वो आप इंक्वायरी कर सकते हैं अबाउट बोट राइडिंग। और इस तरह से ये जो सिटी पैलेस था इसके अंदर म्यूज़ियम भी है, और आपको आउटर अगर घूमना हो तो उसके 30 रुपीज़ है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और ये एक बहुत ही कॉस्टली होटल है, और यहाँ जैसा कि आप जानते ही हैं कि उदयपुर काफ़ी फेमस है जस्ट बिकॉज़ पोर्शे मैरिज के लिए, और बहुत सारी बॉलीवुड्स और अच्छे मॉडल जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं और बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो काफ़ी यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। नाम गिनाऊँगा तो आपको पता ही है कि कितनी सारी मूवी यहाँ पर शूट हुई हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। सो ये था लेक पिचोला। सो अब हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है जगदीश टेंपल। सो चलिए अब हम जा रहे हैं जगदीश टेंपल की ओर, जो कि एक दूसरी लोकेशन है घूमने के लिए, जो कि बहुत ही नियर बाय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस में ही सारे प्लेसेस आसपास में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, वहाँ से हम वॉक करके आए सिटी पैलेस से, और उसी के पास जस्ट ये रहा जगदीश टेंपल। यहाँ पे है जगदीश टेंपल, जो कि
ओनली कुछ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में ही है सिटी पैलेस से जगदीश टेम्पल। वहाँ से सिटी पैलेस का रास्ता आओगे आप और आपको यहाँ से ये जो जगदीश टेम्पल है घूमने के लिए, ये भी एक बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। यहाँ पर ये इस तरह से जगदीश टेम्पल है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके आसपास की इस तरह से ये मार्केट है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंगोर घाट और बागोर की हवेली और फतेह सागर लेक, ये सारे के सारे इसी डायरेक्शन पे हैं। दोस्तों हम थे थोड़ी देर पहले जगदीश टेम्पल, जो कि पीछे के रास्ते था सिटी पैलेस से, कुछ ओनली 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस में है जगदीश टेम्पल। और उसके बाद कुछ 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस में है बागोर की हवेली। सो मैंने जैसा कि बताया था कि सारे के सारे प्लेसेस आसपास में ही है, ओनली वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको सारे के सारे प्लेसेस मिल जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बागोर की हवेली और देखते हैं पास से उसको। कुछ रास्ता है बागोर की हवेली की तरफ जाने का जो कि गलियों से निकलता है, और ये रहा बागोर की हवेली का मेन गेट जो कि यहाँ से भी आ सकते हो और जहाँ से हम आए। दोस्तों ये है बागोर की हवेली का मेन गेट जैसा कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों सो फाइनली हम पहुँच गए हैं बागोर की हवेली, जो कि इस तरह से इसकी एंट्री है जैसा कि आप देख पा रहे हो अंदर। और यहाँ पे जो टिकट है उसका 55 रुपीज़ टिकट का चार्जेस है, जो इस तरह से मेरे पीछे ये टिकट विंडो। यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा जो कि अंदर का पूरा व्यू है। अंदर दोस्तों म्यूज़ियम है, जो म्यूज़ियम मतलब वही पुरानी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। पर दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर कुछ इस तरह से सारी चीज़ें रखी गई हैं। दोस्तों ये बागोर की हवेली से कुछ व्यू है जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो दोस्तों जस्ट अभी हमने बागोर की हवेली जो है अंदर जाके आए हैं, जो कि 55 रुपीज़ की जो म्यूज़ियम है अंदर बागोर की हवेली में, सिर्फ म्यूज़ियम है और हवेली जैसा बना हुआ है। और म्यूज़ियम में मतलब राजा रानी के जो सब कपड़े और पुरानी सारी चीज़ें वो अंदर दी गई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और उसकी कुछ टिकट है 55 रुपीज़, अगर आप DSLR कैमरा वगैरह यूज़ करते हो तो उसका अलग से 55 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। इस तरह से यहाँ पे घाट है, आप बैठ सकते हो थोड़ी देर, यहाँ कबूतरों को पिगन्स को आप कुछ खिला सकते हो आपको जो खिलाना हो। और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही सुहाना व्यू दिखता है। चलिए दोस्तों अब बागोर की हवेली हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएंगे सहेलियों की बाड़ी, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहाँ क्या है कैसा है। और सो चलिए जर्नी आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो गेट इसका कुछ इस तरह से है। और सहेलियों की बाड़ी जो कि है 3 किलोमीटर से बागोर की हवेली से, और यहाँ पर 20 रुपीज़ पर अडल्ट टिकट्स है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सहेलियों की बाड़ी। दोस्तों ये है सहेलियों की बाड़ी का गेट और इसके आसपास का कुछ इस तरह से दिखता है। फाउंटेन्स हैं, गार्डन्स हैं, फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, और इस तरह से पूरा ये बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है विज़िट के लिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो सो फाइनली हम हैं ये अभी सहेलियों की बारी, जो कि है सिटी पैलेस, जगदीश टेम्पल और बागोर की हवेली, इन सब से आपको ये 3 किलोमीटर पड़ेगा। और सिटी पैलेस, जगदीश टेम्पल और लेक पिचोला और जो बागोर की हवेली हैं, ये सब 1 ही किलोमीटर के अंदर ही अंदर हैं, तो आपको इसमें ट्रैवल एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप सारे हैं ना आसपास में ही हैं। और ये जो ये सहेलियों की बारी है, ये बहुत ही अच्छा गार्डन है, ये भी आना मिस ना करें उदयपुर में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा गार्डन है यहाँ, बहुत ही तरह तरह के फूल्स हैं और फाउंटेन्स हैं, बहुत ही अच्छा गार्डन है।
इसे भी आएँ। ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है आपका सिटी पैलेस से, और या कह लो बागुर की हवेली से। और अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि अगर उदयपुर आना हो तो इसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैं। तो दोस्तों उदयपुर के लिए यही बेनिफिट है कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी अवेलेबल है, और ट्रेन्स और बस सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के वे होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन उदयपुर में अवेलेबल हैं। बात करें दोस्तों यहाँ के खाने की और यहाँ रहने की, तो दोस्तों होटल यहाँ पर आपको 500 से लेके 1500 तक के बीच में बहुत ही बेस्ट से बेस्ट होटल्स मिल जाएंगे रुकने के लिए। कहीं पे भी हर जगह होटल आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा टूरिस्ट सिटी है, तो आपको जगह जगह में होटल्स मिलते ही रहेंगे। और खाने के लिए आपको 100 रुपये से लेके 500 तक के बीच में भी अच्छे से अच्छा फूड आपको ना मिल जाएगा खाने के लिए। मेक श्योर कि यहाँ आप गर्मी में मत आएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है राजस्थान में, जैसा कि आपको पता ही है, और अभी भी मुझे बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। सो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने घूम लिया है सहेलियों की बारी, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है फतेह सागर लेक। हेलो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं फतेह सागर लेक, जो कि है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ उदयपुर। सो ये है एंट्री गेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, वो है एंट्री गेट वो वाला, हाँ वहाँ से एंट्री गेट है। और यहाँ पे कोई भी टिकट विकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ एंट्री लीजिए। अगर आपको यहाँ पर एक्वेरियम करके कुछ एक जगह है उधर घूमना हो, तो वहाँ की टिकट लगती है। बाकी अंदर इस तरह से फतेह सागर लेक जो है एक टाइप का, ये जो पूरी लैन है, यहाँ घूमने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टिकट नहीं लगती। और इस तरह से यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और साइकिलिंग आप अगर करना चाहें तो वहाँ पे साइकिलिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से ये फतेह सागर लेक है, बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों मुझे अब तक का सबसे बेस्ट प्लेस यही लगा है। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, पूरा दिन से जो थका हुआ था वो सारी थकावट दूर हो गई, बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे जो बोट राइडिंग आप देख रहे हो, इस तरह से आप ये बोट राइडिंग भी कर सकते हो। इसका कुछ अलग से 500 रुपया चार्ज है। आप बोट राइडिंग के लिए आपको थोड़ा आगे चल के वॉक करके जाना होगा वहाँ तक, तो बोट राइडिंग के लिए आपको वहाँ वो उस लोकेशन तक वॉक करके जाना होगा, और वहाँ से आपको बोट राइडिंग के लिए आराम से आपको टिकट मिल जाएगी, और आप इस तरह से बोट राइडिंग कर सकते हो जैसे कि वो आपको पीछे दिख रही होगी। दोस्तों एक जगह और है घूमने के लिए, जो कि है सज्जनगढ़ फोर्ट, उसको दूसरा मानसून फोर्ट भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ भी वो भी कवर कर सकते हो। उदयपुर की जर्नी यहाँ पे ही समाप्त होती है। आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।